सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी एलिमेंट 3। तो इस क्वेश्चन में ये एक लव बबर डीएसए प्रॉब्लम शीट जो कि कोडिंग निंजास पर अवेलेबल है, उसका एक क्वेश्चन है जो कि हैश टेबल से होता है। हम इसे अनऑर्डर में आपसे ट्राई करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ये एक एरे है, इसका साइज़ कुछ होगा और एक हमें के एक्स्ट्रा दिया है। हमें एन बाई के निकालना है और हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर एन बाई के से ज़्यादा बार आया हुआ है। जैसे मैं इस टेस्ट केस की बात करूँ तो हमें एक एरे दिया है और के की वैल्यू ये दी है, तो एरे का साइज 12 है, 12 by 4 is 3। तो कौन सा एलिमेंट है जो 3 से ज़्यादा बार अकर हुआ है? तो 1 हमारा केवल और केवल 2 बार हुआ है, 3 या 3 से ज़्यादा बार। तो 2 कितनी बार हुआ है? 2 2 times, 3 हुआ है, 1 2 3 4, दैट्स इट, 4 times ओनली। तो इट इज़ द आंसर बेसिकली 1 2 3, तो ये 3 बार हुआ है, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 3 और 4। तो हमें आउटपुट करना पड़ेगा 3 और 4, तो ये आउटपुट हमारा हो चुके हैं एक वेक्टर की फॉर्म में। तो हम इसे करने वाले हैं अनऑर्डर मैप से, तो सबसे पहले उसे इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप। ओके, देन हमें एक मैप भी बनाना पड़ेगा, तो हम एक अनऑर्डर मैप बना लेते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट, इंटीजर टाइप का ही हम बना रहे हैं, इसका नाम हम मैप रख लेते हैं। ओके, देन मैं ये क्या बनाऊंगा, सबसे पहले तो मेरे को इंट काउंट बनाना पड़ेगा, एक काउंट बोलो या फिर कितनी बार जो आ रहा है, बेसिकली जो एन बाई के हमारा होगा उसको। देन मैं पूरे एरे में से ट्रेस एरे को ट्रेस करूंगा और उस सारी वैल्यूज को पुश करते ही जाऊंगा किसमें, अपने मैप में। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, देन मैं ये करने वाला हूँ कि मैप ऑफ ए आर आर ऑफ आई को प्लस प्लस करते जाऊंगा। अब इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि मैप ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस। मैप ऑफ ए आर आर आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि ए आर आर ऑफ आई पोजिशन पर जाकर, फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 आया, तो 3 पोजिशन पर जाकर उसकी जो भी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी थी उसको 1 से बढ़ा दो। तो मेरे को मैप में दो चीज़ें होती हैं, पेयर होता है बेसिकली, तो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाले पे तो ये रहेगा 3, सेकंड वाले पे इसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हमारा 3 आया, तो 3 आया 4 बार, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, और जो फर्स्ट रहेगा वो हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसी इसी बात का इस्तेमाल करूंगा। मैं सिंपली एक वेक्टर आंसर बनाने वाला हूँ जिसमें मैं, जो कि इंटीजर टाइप का होगा और जिसमें मैं पूरा, जिसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ एट द एंड। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे के पूरे अपने मैप में ट्रेस ट्रेवल करने वाला हूँ। तो फॉर ऑटो आई मैप, ओके, तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि क्या मेरा जो आई का सेकंड है बेसिकली वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू काउंट है, क्योंकि हमें कंडीशन तो यही दी है ना, या तो वो एन बाई के से बड़ा हो या एन बाई के जितना हो। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू काउंट है। अगर ऐसा होता है तो मैं आंसर में जो कि मेरा एक वेक्टर है उसमें पुश बैक कर दूंगा अपने आई डॉट फर्स्ट को, क्योंकि मुझे फर्स्ट चाहिए ना, मुझे वो नहीं चाहिए वो कितनी बार आया, मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो जिसकी फ्रीक्वेंसी एन बाई के से ज़्यादा है, इसीलिए मैं फर्स्ट को पुश बैक कर रहा हूँ। सिंपली इतना करने के बाद हमारा सारा काम हो तो जाना चाहिए और हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सबमिट कर कर देखते हैं। तो सबमिटेड सक्सेसफुली, इतना ही था, आशा करता हूँ कोड समझ में आया होगा। थैंक यू।